भारत इंटरनेशनल टॉकीज का बारे में मैं 6 साल से उनसे जुड़ा हूँ, उनका मैं काम देखा हूँ सोशल वर्क के बारे में। आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा उन्होंने पहल किया जिसमें वसीलेबाजी नहीं अवार्ड देने में, जो क्वालिटी लोग हैं और अलग अलग तक अलग अलग फील्ड में काम करने लोग हैं उनको वो ये करना चाहते कि इनका भी काम है ये देखो, और जूनियर लोगों को देना चाहते हैं। तो आई एम हैप्पी विथ देयर वर्क और मैं मेरे को बड़ा सम्मान लगता है कि ऐसा काम करने के बाद किसी ने आज तक मुझे पूछा नहीं कि आपने ये काम किया कैसा किया क्या किया, तो ही इज़ आस्किंग फॉर दैट एंड वो मुझे बहुत ही ये रखता है, फख्र की बात लगती है कि मैं देश के लिए कुछ किया या मैं मेरे समाज के लिए कुछ किया उसका कोई रिकग्निशन हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे अभी वही पूछने वाली थी, विक्रम मोरे जी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, इन्होंने इतने सारे लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ बुलाया है जो अपने फील्ड में महारत है। विक्रांत मोरे एक इमोशनल इंसान है, बच्चों के लिए खासकर बच्चों के लिए और औरतों के लिए उनका जो ये नज़रिया है वो देखने का अलग है। ये भी ये आज का भी प्रोग्राम उसमें भी वो देखो कि लेडीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, और वो ऐसा आदमी है इज़ एसेट टू द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, ये एसेट है सब जो अपने लिए देश के लिए एक अच्छा आदमी है, और ये जो कर रहे हैं इनके लिए लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए और उनका काम एकदम एक्सेलेंट है। जब भी विक्रांत जी ने, ये मेरी पहली बार है उनके साथ, तो विक्रांत जी का जब फ़ोन आया था तो मैं यही सोचती थी कि जैसे वो बोल रहे थे कि अवार्ड्स आजकल तो खरीदे जा सकते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे बहुत फ़ोन्स आते थे कि ये अवार्ड ले लो लेकिन हाफ पेज ऐड दे दो, ये पैसे दे दो, तो मेरा सबसे पहला उनके पास भी यही सवाल था कि मुझे कुछ देना होगा कुछ करना होगा। जब उन्होंने पूरा समझाया तो आई वॉज सो ग्रेटफुल कि कोई तो है जो एक्चुअली जेन्युइन वर्क की कदर करते हैं और बिना कोई अपेक्षा ये सिर्फ फेलिसिटेट करने में बिलीव करते हैं, दैट इज़ समथिंग रियली नाइस। ये मेरा तीसरा मौका है जब मैं यहाँ पर आई हूँ, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे आप लोगों ने भी बताया कि अवार्ड्स जो हैं काबिलियत पे दिए जाते हैं, और मुझे जब पहली बार अवार्ड मिला था मैंने कोविड के टाइम पे मोबाइल में बनाई थी फिल्में, हम जो ये आर्टिस्ट लोग हैं क्योंकि सब लोगों को एक तो 3-3 महीने बाद तनख्वाह वो पैसे मिलते हैं ना, तो मैंने साथ के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, किसी ने सुसाइड कमेंट किया, कुछ लोग छोड़ करके चले गए, तो उन पर मैंने एक फिल्म बनाई थी बनाई है कुछ सपने उधार के, उन लोगों का स्ट्रगल क्या है, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी बड़ी ग्लैमरस होती है पर हम लोग का अपना स्ट्रगल क्या है वो कोई देख नहीं पाता है। लोगों को तो 30 दिन काम किया उसके बाद तनख्वाह मिल जाती है, हमको तो 90 दिन बाद पैसे मिलते हैं, सो हाउ लोग क्या करते हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। और मैं दूसरी बार फिर आई थी पैनल का डिस्कशन के लिए आई थी, और आज फिर आई हूँ डिस्कशन के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि एक वातावरण इतना बेबाक वातावरण होता है, आप खुल करके कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स में बात भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, चाहिए तो लड़ाई भी कर सकते हैं, तो आनंद आता है इस समय। आई एम रियली हैप्पी अबाउट। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनुप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि हाउ अवार्ड्स इंस्पायर्स पीपल? मैं समझता हूँ कि अवार्ड इसलिए ज़रूरी होते हैं, मतलब इसलिए नहीं कि वो हमें मिल रहे हैं, उससे क्या होता है कि जब आपको कोई जो कोई काम कर रहा है समाज में उसको जब कोई अवार्ड या कोई भी उनको इज्जत और किसी तरह का सम्मान मिलता है तो उससे इंस्पिरेशन और सारे लोगों को मिलती है जो कुछ ऐसा करने को जा रहे हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे द्वारा जो ये लोगों तक पहुंचती है जो इसमें काम कर, इसलिए अवार्ड रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ईमानदारी से, जैसे मौर्य साहब ने कहा कि ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि कोई खरीद रहा है ये चीज़, क्योंकि देखिए अगर यही चीज़ करना होता तो हम समाज सेवा क्यों कर रहे होते, तो जब आदमी समाज सेवा कर रहा है जैसे हम बोलते हैं कि यार जो कर रहे हो मत करो नहीं कि मत बताओ किसी को, लेकिन नहीं अभी बताना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी तो लोगों को पता चलेगा कि यार ऐसे भी काम हो रहा है। बिल्कुल, हम भी यार वो फला व्यक्ति, वो फला पुलिस ऑफिसर, वो फला फिल्म मेकर, फला एक्टर इतना कुछ करता है तो हम इंस्पायर होते हैं ना, आप गलत चीजें जाएंगी तो गलत जाएगी, तो इसीलिए अवार्ड बहुत जरूरी है, जेन्युइन लोगों का अवार्ड, और इससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश पहुंचता है। और विक्रांत मोरे जी के तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा, मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं उनके साथ जुड़ गया हूं, और जो भी हम आगे नए फिल्म मेकर्स के लिए कर सकते हैं, और जो भी एक्चुअल में मैं
जो भी सर लोग मैम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है कि एक बहुत अच्छा मीडियम है, मैम जानती हैं, कैमरा, जिसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट पे किसी भी चीज़ पे, जैसे आपने वो वुमेंस वाला प्रॉब्लम बोला, उस पर हम डॉक्यूमेंट्री बना के उसको, क्योंकि इससे पता चलता है लोगों, जब पता चलेगा लोगों को तो ही तो लोग आएंगे ना. करेक्ट. तो ये बहुत अच्छा माध्यम है. हम क्या कहना चाहेंगे आज आपको, किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है? उन्होंने मुझे मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने मुझे नवाजा है, लेकिन आई डोंट नो हाउ इंस्पायरिंग इट इज़. बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जब बीच में साइक्लोन आया था, और आजकल प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ तो बता ही रही है, बहुत बारिश हुई, इस बिन मौसम बारिश हुई, तो आई थिंक क्लाइमेट क्राइसिस कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है अभी दुनिया में. तो आई ऑल्सो डिड माई बिट, मैंने बहुत सारे पेड़, मतलब हमने नए पौधे लगाने की कोशिश की, तो वो हमारी तरफ से कोशिश थी. तो बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नए पेड़ की, मतलब उद्घाटन किया, तो उनमें से एक मैं भी थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे इस बार नवाजा. इस तरह का अवार्ड कितना खुश करता है एक आर्टिस्ट को? ऑब्वियसली हम लोगों को ऐसे आर्टिस्ट होने के नाते अवार्ड्स जब मिलते हैं तो वो हमारे आर्टिस्ट और कलाकारी के लिए होता है, लेकिन जब हम समाज सेवा करते हैं तो आई थिंक और भी ज़्यादा खुशी मिलती है, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम एक कलाकार होने के नाते समाज की सेवा में अगर हम कुछ दे सके और कर सके, तो उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती. विक्रांत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? साइलेंस प्लीज, साइलेंस. क्या थॉट आया था ये अवार्ड कराने के लिए? कितनी कैटेगरी क्या कुछ बताइए. ये जो आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया है, हर साल ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये गए लास्ट 5 साल से होता है, जिसमें हम लोग उनकी सोशल इशू पे जो फिल्में बनती है उन्हीं को हम लोग उन्हें प्रायोरिटी देते हैं. लेकिन लास्ट 2 ईयर्स हम लोग जो ये सोशल इशू के जो फिल्म मेकर्स थे उन्हीं को हम लोग फैलिसिटेट करते थे, हम लोग ने कैटेगरीज बढ़ाई नहीं थी. लेकिन इस साल हम लोग ने इसका कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज 8 कैटेगरीज में एक्सटेंड किया हुआ है. वो जो 8 कैटेगरीज है, वो 8 कैटेगरीज में ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी कि द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया. जैसे कि निहारी का इन जो एक मॉडल, एक आर्टिस्ट का जो शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है, और खास करके फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्या है, खुद को मेंटेन करना, खुद का ख्याल रखना, इसमें ही आधा वक्त चल जाता है, और उसके बाद में स्क्रिप्ट की तैयारी करना, ऑन शूटिंग ट्रैवल करना, और जब किसी कैरेक्टर को हम निभाते हैं तो उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है. और जिस तरीके की निहारिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, तो वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बिजी है, और उसमें से वक्त निकाल कर सोशल इशू के लिए वक्त देना, ये सही में अपने आप में एज अ आर्टिस्ट बहुत ही काबिल तारीफ़ है. भले ये बड़े लोगों की ये वर्ड्स है कि मुझे नहीं पता कि कैसे इंस्पायर करी हूँ, ये हर कोई बड़ा इंसान ऐसे ही बोलता है. तो ये है कि इनको नहीं पता कि इनके किए हुए जो काम है, ये जो एक्टिविटी किया है, उसके वजह से न जाने कितने लोग इंस्पायर हो सकता है, काफ़ी लोग इन तक पहुँच ही नहीं पाए. मैं पहुँचने में सफल इसलिए रहा कि मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो यही कहना चाहता हूँ. सर, आपने सोवर था सर, आपका ये अवार्ड जो है कोई शोर शराबे से तो कुछ इनकम सोवर है, क्या आपने 2-3 बातें बोली स्टेज के ऊपर पहले? अब वो एक्चुअली यही ना सर, कि हम देखते हैं कि हर महीने के अंदर 4 से 5 अवार्ड सेरेमनी होती है, और हर अवार्ड सेरेमनी के अंदर क्या होता है कि आजकल अवार्ड को बेचा जा रहा है अवार्ड के नाम के ऊपर. इसके वजह से क्या होता है कि जो जेन्युइन लोग हैं उन तक अवार्ड पहुंच नहीं पा रहा, कि जिनका प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो और उन तक वो अवार्ड पहुंचे. यानी अवार्ड ये एक बिजनेस कमाने का एक जरिया बन चुका है, चाहे वो मैं अभी नाम तो मैंने ले लिया, जितने भी लोगों का लेना ही था. तो हम लोग ने इसके अंदर एंट्री फ्री रखी थी, और लोगों का एक एंट्री फी फ्री रख के उनको हम लोग ने कॉल किया, उनका उन्होंने जो डाटा हमको सबमिट किया था पूरे भारत देश में, हम लोग ने उसको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद में हमको जब लगा कि ये बंदा काबिल तारीफ है, तो उसको अवार्ड के लिए हम लोग ने फेलिसिटेट किया. बस यही. कितने टाइम से तैयारी चली थी, क्योंकि आपने स्पॉट को सरकारी कर्मी वगैरह सबको चुन के लेके आए, तो आर्टिस्टों को भी लेके आए, तो कितनी तैयारी चली थी, कितने टाइम से तैयारी चल रही थी, आप उन लोगों को लेके आए हो जो बहुत छुपे हुए थे, इसके बारे में कोई बताएं कितना वक्त लगा? नहीं, ये वक्त तो क्या है कि हमको वक्त लगता नहीं है, क्योंकि क्या हर साल हमारी समाज के उस कोने पे नज़र रहती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है इसके लिए, और हमारी टीम ऑलरेडी 5 सालों से ट्रेंड है, तो हमको वक्त नहीं लगता.
अभी हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अगले साल मेरी और विद्युत जामवाल की फिल्म देखिए, IB71। संकल्प रेड्डी डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने पहले गाजी अटैक बनाई, तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और पेट्रियाटिक फिल्म है। उसके बाद अभी हम एक फिल्म शुरू करने वाले हैं रणदीप हुड्डा के साथ, वो भी पेट्रियाटिक फिल्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल मैं पेट्रियाटिक फिल्मों में ही ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो देखो अगले साल मेरा बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति में चला जाएगा। सोशल मीडिया पर काफ़ी आपको प्यार मिला है, दर्शकों का काफ़ी सनसनी मचा के रखी है, उसके बारे में कैसे? हमारा काम ही है सनसनी मचाना और हम हमेशा मचाते ही रहेंगे। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए प्लीज़, हम सब सिनेमा आर्टिस्ट की तरफ से, आप प्लीज़ थिएटर में आके हमारी पिक्चर देखिए। अभी बहुत कुछ बदला भी है, कोविड के बाद भी बहुत कुछ बदला है, लेकिन हमारे थिएटर्स आज भी खुले हैं। आप लोग हमारी फिल्में प्लीज़ सिनेमा हॉल्स में देखने आइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग कम्युनिटी के उस तौर पर और खूब नाचते हैं जब सिनेमा हॉल्स में होते हैं। अभी मैंने हाल ही में अमिताभ बच्चन का एक बहुत पुरानी फिल्में देखी, उनके जन्मदिन के वक्त उनके लिए PVR ने एक हफ्ता कालिया, नमक हलाल, डॉन जैसी पिक्चरें दिखाई हम सब लोगों को। मैं आपको बता नहीं सकती कि सिनेमा हॉल्स में मैंने ऐसा नज़ारा नहीं देखा, और मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा नज़ारा कभी भी आगे भी जाके ख़त्म हो। मैं आज भी चाहती हूँ कि आप सब लोग गैलेक्सी गेटी के बाहर खड़े होइए और खूब नाचिए, डांस करिए, ढोल बजाइए, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सारी फिल्में ऐसी ही देखी जाएँ, क्योंकि यही है देखने का मज़ा। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है मेरे सारे फैन से और बाकी भी सब दर्शकों से कि प्लीज़ हमारी फिल्म सिनेमा हॉल्स में देखिए। लार्जली विक्रांत मौर्य जी के बारे में दो शब्द में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि विक्रांत जी एक हैं और बहुत सारे विक्रांत जी पैदा हों, और ऐसे पूरे उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मतलब बधाई देती हूँ। उन्होंने कम टाइम में इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। खैर, उनके पास 5 साल का तजुर्बा भी है, लेकिन उन्होंने जिन जिन लोगों को आज सराहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ इस देश के लिए किया है जो हमारे समाज के लिए और भी लोगों को प्रेरणा दे सकती है कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे लोग हैं और ऐसे इवेंट्स किया जाने चाहिए, और वो भी फ्री एंट्री के साथ। ऐसा नहीं है कि हमें पैसे दे के कुछ करवाया जाता है, ये बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है। तो मैं भी यही कहूँगी कि देखो, जिस तरीके से विक्रांत जी ने प्राइड ऑफ इंडिया को सराहा है, आप सब लोग भी उस चीज़ को मान्यता दीजिए और आगे आइए और समाज सेवा कीजिए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इवेंट के बारे में तो हमने बहुत ही बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दिए जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत सारे काम, बहुत अच्छे काम किए, सोशल वर्क किए हैं, और बहुत लोगों को हमने टैलेंट के कैटेगरी में भी अवार्ड दिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान को एनकरेजमेंट मिलना, अप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है उनके काम के लिए, ताकि वो आगे जाके मोटिवेटेड रहे और भी हमें ऐसे अच्छे अच्छे काम हमें देखने को मिले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने उसी के बेस में हमने ये स्टार्ट किया था आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें एक नॉर्मल इंसान, एक आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकता है और वो भी आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया बन सकता है। तो वही हमारा बेस था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं निहारिका मैम के साथ खड़ी हूँ, वो इंटरव्यू दे रही हूँ, और इनका जो बेस अवार्ड था मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया था, तो मैंने भी जब इनका सारा गूगल पर जाके इन्फॉर्मेशन निकाला, तो मुझे भी ऐसा लगा कि सीरियसली बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि सर ने बोला ये एज अ मॉडल, एज अ एक्टर, अपने खुद के काम से वक्त निकालना और फिर सोशल, अपनी सोसाइटी को वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ऐसा किया, और मेरे लिए प्राउड है कि मैं इनके साथ एक इंटरव्यू दे रही हूँ आपको। नहीं, एक्चुअली अवार्ड रिसीव करते हुए सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये इस ऑनर से सम्मानित किया गया, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बताइए कुछ और। दिस अवार्ड मेमोरी ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम, मेरे को बेस्ट सोशल इशू अवेयरनेस पे अवार्ड मिला, सभी मेरे को सपोर्ट किया, छोटे बच्चे जो भी टीम है उनको मेरे तरफ से थैंक यू। आई हैव कम टू रिसीव दिस अवार्ड लाइक इन प्लेस ऑफ माई फ्रेंड Princy is the director of this film and she is currently shooting in Delhi, so usko aa nahi payi thi, so main aaya tha, like I was also a part of this film since the beginning, so I came to collect this award, and it's so humbling, and she's telling she wishes she was here, and this film is like as a student film from Satyajit Ray Film and Television Institute,
and people from all over the country has been a part of this film. And it's from the story is based in Himachal and it's in Kulvi language. And Kulvi language is one of the endangered languages according to UNESCO's heritage. And I hope you guys watch this film. Thank you. Yeah. Hi, my name is Isha. I'm basically from Punjab and I work in Bollywood, Pollywood and Tollywood industry. And I am very glad that I am here today. A great, wonderful evening. I just thanks to Amit ji who has invited me and the entire team. And I am very blessed that I am the part of this entire evening. And I am working as an actress, as a web series. I have done lots of songs, series, and my upcoming movies are very also soon releasing. Thank you so much. मैं पहली बार मुझे ये अवार्ड मिला है इंडिया प्राइड आइकॉनिक अवार्ड और मैं विक्रांत मोरे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं फिल्म मेकर हूँ. मेरा नाम अनूप थापा है. रिसेंटली मेरी फिल्म आई थी ये मर्द बेचारा और एक शॉर्ट फिल्म है आइसक्रीम जिसको 20-25 अवार्ड्स मिले नेशनल इंटरनेशनल जो कि सुसाइड के ऊपर है. और ये सम्मान पाकर मुझे प्रेरणा भी मिली है और बहुत खुशी हुई. बहुत अच्छे लोगों से इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मंच साझा किया. और एज एन फिल्म मेकर मैं विक्रांत जी के साथ जुड़ा हूँ और भी फिल्म मेकर की मेरी तरफ से जो मदद होगी हम करेंगे और सारे नए फिल्म मेकर्स को हम लोग हेल्प करेंगे. प्लस सिनेमा के माध्यम से हम समाज पे जो भी अच्छा प्रभाव ला सकते हैं वो लाएंगे. मैंने ये फील्ड में आज 9 साल हुए हैं. टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन हुआ है और ये जो इनफैक्ट जो बोलते हैं ना स्लो एंड स्लो पहाड़ चढ़ो ये है मेरी चढ़ाई. सोशल वर्क, वॉलंटरी वर्क, हेल्पिंग ऑन मेंटल हेल्थ. और जब विक्रम साहब से बात हुई थी एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस एंड ही सेड दैट बी अ पार्ट ऑफ इट मैं तो यार बहुत खुश हुआ. आई सेड इसी यू नो इस मीडियम से लोग सुनेंगे, लोग सोचेंगे, अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान देना एंड दे विल अप्रोच एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प. सो थैंक यू वेरी मच. वन जब अवार्ड मिलता है वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स तो मॉरल बूस्ट तो हो ही जाता है. और वो क्या बोलते हैं ना वी चैलेंज आर सेल्फ. हम चैलेंज करते हैं चल अभी एक अवार्ड है अभी दूसरे अवार्ड के लिए काम करेंगे. एंड दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट वी नीड. जस्ट कीप ऑन वर्किंग. अपना काम करते जाए यार दुनिया देखेगी. थैंक यू. हाँ जी आई हैव गॉट एन अवार्ड फॉर द म्यूजिक थेरेपिस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज. आई वर्क ऑन म्यूजिक थेरेपी फॉर मेंटल हेल्थ. सो एक चीज इनफैक्ट रिकॉर्ड पे कहूंगा कि म्यूजिक रिलैक्सेस अस बट म्यूजिक थेरेपी लिसन्स टू अस. और ये मैं एक्चुअली कैमरा पे भी बोलूंगा कि लास्ट 5 सालों में थ्रू माय काउंसलिंग एंड म्यूजिक थेरेपी एक्सरसाइजेस मैंने 27 बच्चों को हेल्प किया है फ्रॉम सुसाइड थॉट्स एंड दे आर स्टडिंग एंड वर्किंग वेरी वेल टुडे. सो दिस इज माय वर्क. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगा. बचपन से सपना होता है. एक सपना था मेरा कि दिल भी अड़ा हुआ जिद पर उसी बच्चे की तरह या तो सब कुछ उसे चाहिए या कुछ नहीं. तो शुरुआत थी और आज मुझे अवार्ड मिला. बहुत खुशी हुई है और काम को देखने के बाद ही अवार्ड मिलता है. डेफिनेटली भी कुछ बड़ी फिल्म मेरी आने वाली है तो मैं बहुत खुश हूँ. और जिनसे मुझे अवार्ड मिला है ATS के जो चीफ है उनसे उनको लेकर मैं बहुत खुश हूँ. और पूरी टीम को यहाँ जितने भी लोग जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन सबको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ. और मीडिया को भी थैंक्स करता हूँ कि आप लोग आए अपने वक्त निकाल कर और हम लोगों को सब तक पहुँचाने का काम आप लोग करें. थैंक यू.